नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किन किन छात्रों को दोस्तों कॉलेज मिली है, पहली लिस्ट जारी होने को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। कट ऑफ कितनी गई है, सेकेंड लिस्ट दोस्तों कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड लिस्ट को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकेंड लिस्ट कब आएगी। ऐसे ही दोस्तों आपको कैसे कॉलेज चेक करनी है, आपको कॉलेज मिली है कि नहीं मिली है दोस्तों, और कितनी यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ है वो चाहिए, तो पूरी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको दोस्तों राजस्थान पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट पर दोस्तों पहली दूसरी तीसरी लिस्ट संबंधित दोस्तों सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको बता हुआ दोस्तों, पीटीटी की जो काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 13 नवंबर कर दी गई थी, जो आपकी अंतिम तिथि कल निकल चुकी है। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर तीसरे पॉइंट पर आप गौर करते हो, अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग की अलॉटमेंट लिस्ट है वो दोस्तों आज, जी हाँ दोस्तों, 14 नवंबर को जारी होगी। कितने बजे जारी होगी, तो दोस्तों 11 बजे के आसपास दोस्तों आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कट ऑफ कितनी रहेगी, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि कितने नंबर पर आपको जो है कॉलेज है वो मिल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, तो 340 नंबर पर आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों OBC में भी 330 नंबर अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों SC कैटेगरी में दोस्तों 320 पर और ST कैटेगरी में दोस्तों आपको 310 पर कॉलेज है वो मिल जाएगी। बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर EWS कैटेगरी की, EWS में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो EWS की कट ऑफ है वो OBC से कम रहती है, 325 से 328 के मध्य आपकी पहली लिस्ट की कट ऑफ है वो जाने वाली है। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है वो आर्ट की कट ऑफ है। जी हाँ दोस्तों, आर्ट और साइंस की कट ऑफ अलग अलग रहती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आप प्लस 15 नंबर या फिर 10 नंबर इसमें काउंट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लस 10 या 15 नंबर आपकी कट ऑफ हाई रहती है आर्ट के मुताबिक दोस्तों, तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। दोस्तों दूसरी लिस्ट कब आएगी, तो दूसरी लिस्ट के लिए आपको लगभग दोस्तों वेट करना होगा 30 तारीख का। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख तक आपकी जो है काउंसलिंग और रिपोर्टिंग है वो चलने वाली है, और आपका अपवर्ड मूवमेंट भी रहेगा दोस्तों, तो आपको लगभग 30 या 25 तारीख के मध्य में दोस्तों आपकी जो है सेकेंड लिस्ट है वो जारी होगी। तो फर्स्ट लिस्ट में कितने स्टेट का सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, लगभग 1 लाख से ऊपर सीटें रहती है दोस्तों, 1,20,000 सीटें रहती हैं, और आपकी बाकी की सीटें फोर ईयर वाले कोर्स की रहती हैं। तो आपकी जो लिस्ट आएगी दोस्तों वो लगभग 80% स्टूडेंट की जो है यहाँ पर दोस्तों सीटें हैं वो भर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली लिस्ट में 80% सीटें भर जाती हैं, 20% सीटों के लिए दूसरी और तीसरी लिस्ट निकलती है। तो 80% स्टूडेंट का दोस्तों आज आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, चलिए वो बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको पहले PTT की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको क्लिक ईयर टू ईयर कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको PTT रिजल्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, इसके बाद सिंपली ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट की कॉलेज आपको सामने ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन भी आता है दोस्तों, अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 11 बजे तक का इंतजार रहेगा, 11 बजे आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट जारी होती सबसे पहले अपडेट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मैं लाइव आकर आपकी कॉलेज भी चेक करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।